बिहार की बात करेंगे जहां पर स्पीकर चुनाव आज से हो रहे हैं और उससे पहले लालू यादव के कथित ऑडियो से सियासत के शोले भड़क गए हैं। जी हां, बीजेपी ने लालू का ऑडियो जारी कर दिया है। ऑडियो में लालू यादव बीजेपी के विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं, स्पीकर चुनाव में साथ मांग रहे हैं। ऑडियो के मुताबिक साथ देने के बदले मंत्री पद का लालच दिया गया है। हाँ पासवान जी, बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका, ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बढ़े, तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा, ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी, आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है, ठीक। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका, ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बढ़े, तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा, ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी, आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है, ठीक। और इस पूरे ऑडियो टेप को लेकर सुशील कुमार मोदी किस तरीके से वार कर रहे हैं सुनिए। सीट वाला ही सर चाहिए था जी, सर किसी को बोल दीजिएगा तो हम लोग को परेशानी होगी। मैडम मैडम, सर दो लाइन खाली बोल देते, सिर्फ दो लाइन, ट्वीट वाला सर, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं, आरजेडी के विधायक जैसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं है, ऐसा 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 कुछ नहीं, ललन पासवान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात, विधायकों से भी निंदनीय बात, और लोगों को फोन हो रहा है क्या, मुझे मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क हैं। अरे भैया हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के है, गठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन मजबूत है, और निश्चित मजबूत होगा, निश्चित तो ये ऑडियो टेप जारी हो चुका है जिसमें खास तौर पर बातचीत सुनी जा सकती है, लेकिन आरजेडी अपने बचाव में क्या कह रही है सुनिए। आरजेडी के विधायक है ललित जी, लालू प्रसाद की आवाज है क्या? देखिए जिस तरह के सुशील मोदी जी का ओछी हरकत और इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाने का उनकी पुरानी आदत है, जनता के जनोस्कार से उनको कोई मतलब नहीं है, ओछी हरकत और इस तरह से छोटी छोटी बात में वो अब जिस बात की करते हैं, लालू जी की आवाज में तो सैकड़ों आदमी बोलते हैं, आप बोलिए तो अभी बुलवा के आपको आवाज, अब किन्हीं से यदि वो अपने ही से मनगढ़ंत और षड्यंत्र करके और उस बात को आज हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव है, तो अध्यक्ष का चुनाव है तो इसके लिए हमारे नेता यहाँ तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए वो सक्षम है और बात भी कर रहे हैं, और लालू जी का जहाँ सवाल आप मोदी जी का थे, तो मोदी जी को तो जानते हैं कि
कहीं कोई पदूद मिला नहीं है, उनको बीजेपी भी उनको निकाल बाहर कर दिया है। तो यही छोटी हरकत के कारण और लगता है कि इससे भी नीचे उ जाएंगे, इसीलिए छोटी हरकत है, ओछी हरकत है। लालू जी की आवाज नहीं, निश्चित रूप से लालू जी इस तरह से छोटी बात नहीं कर सकते। ये सुशील मोदी ही इस तरह की बात कर सकते हैं और मनगढ़ंत है सुशील मोदी जी का। सुशील मोदी जी अपना मनगढ़ंत, लालू जी की आवाज में सैकड़ों हजारों आदमी बोलते हैं, सैकड़ों हजारों आदमी लालू जी की आवाज में बोलते हैं। देश के नेता हैं, सम्मान नेता हैं और इतने बड़े गरीब के नेता रहे, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़े हैं, तो इस तरह के लोग बदनाम करते रहते हैं उनको। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रोहित हमारे साथ मौजूद है पटना से और रांची में सत्यजीत मौजूद हैं। रोहित, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए इसने तो बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल ला दिया इस ऑडियो टेप ने, लेकिन आरजेडी तो साफ तौर पर यह कह रही है कि लालू जी की आवाज में कई लोग बोल लेते हैं, इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम अभी? देखिए यही बात है कि ये विवाद बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है और एनडीए और महागठबंधन दोनों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और इसी को लेकर लालू प्रसाद की तरफ बताया जा रहा है कि ये दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो कॉल तो लालू ने कल कॉल किया था ललन पासवान को, जो कि बीजेपी के पीरपैंती से विधायक है। और ललन पासवान से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो उस समय सुशील मोदी के घर पे ही बैठे हुए थे, मौजूद थे जब लालू प्रसाद का जो है फोन उनके पास आया और फिर उन्होंने उन्हें प्रलोभन दिया मंत्री बनाने का और सरकार और भी दूसरे पद देने का अगर वो आज की वोटिंग से जो है एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये दावा किया जा रहा है बीजेपी और सुशील मोदी की तरफ से कि ये ऑडियो जो है वो लालू प्रसाद यादव का है, हालांकि इसकी सत्यता की अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेकर बिहार सरकार ने भी बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और सबसे पहले जो मांग उठ रही है कि लालू प्रसाद को रांची से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए, और सीबीआई जांच की भी मांग जो है वो बीजेपी की तरफ से यहां उठाई जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लालू बैठे बैठे रांची में बिहार में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी और सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। मीनाक्षी, ठीक है रोहित, इस बात की पुष्टि हम भी लगातार ये क्लियर करें कि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, बीजेपी की तरफ से ये रिलीज किया गया है। सत्यजीत भी मौजूद है हमारे साथ। सत्यजीत, रांची में अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं लालू यादव, लेकिन अगर इस तरह का एक ऑडियो टेप सामने आ रहा है उसको लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो कई सवाल उठते हैं, फोन कैसे उपलब्ध हो गया, इस तरह की डीलिंग हो रही है, लेकिन सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बिल्कुल, देखिए ऑथेंटिसिटी अपनी जगह है, लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, वन कैली बेंगलो है जहाँ पे लालू यादव को रखा गया है। जब कोविड जो है स्पाइक पे था और उनके सेवादार भी संक्रमित हो गए थे तो उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। ये डायरेक्टर्स बंगलो है, वन कैली बंगलो, जहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया गया था उनके हेल्थ के सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन उसके बाद जब से यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पहले रघुवर की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद से जब से वो यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है लगातार उनको जो है प्रिविलेज दिया जा रहा है और उनको जो है लगातार सुविधाएं दी जा रही है। इसको लेकर जो है सुशील मोदी पहले भी गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बने, कहा हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा, मेरा आदमी का बहाना करो, ये करो, तो ऑडियो में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया दिखाया, तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड था। तो ललन जी उसी समय आपने सोशल मोदी से इसकी शिकायत की? वही था तक्षण मैंने उनको बताया, वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन था, उनकी आवाज पर नहीं था पार्टी। तो क्या आप इसकी शिकायत भी आप कीजिएगा? शिकायत करेंगे हम बैठ के तय करें पार्टी फॉर्म क्या होना चाहिए। क्या बात हो रही है? हमको लगा कि सबों ने मनीष चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था, हमको लगा कॉल, तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया, उनको चरण स्पर्श भी किया। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो,
और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते। यही तक उन्होंने कहा मेरा आदमी का बहाना करूँ ये करूँ तो बॉडियों में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आगे बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया और फिर हमने उनको बताया तो पाया तो संयोग से सारा चीज लिखवाए कुछ लौट था। तो ललन जी उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जस की तस बनी हुई है। लगातार पांचवें दिन राजधानी में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। नोएडा के बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली की सर्दियां इस बार कोरोना संकट के साथ आई हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है और जहरीली हवा की वजह से मरीजों की हालत और भी गंभीर हो रही है। नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली इस वक्त महामारी, बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के साथ तीन मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। प्रदूषण को लेकर जारी अलर्ट भी खतरे की आशंका बढ़ाने वाला है। 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। ये हालात कोरोना की चपेट में आए मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 6224 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मामले 5,40,000 को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा और गुरुग्राम के बाद अब गाजियाबाद ने भी दिल्ली से आने वालों का रैंडम टेस्ट किए जाने का फैसला किया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बूथ लगाया है जहां शाम को दिल्ली से लौट रहे लोगों की टेस्टिंग हो रही है। लगभग हमारे यहाँ 10-12 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजाना किसी न किसी काम से या बिजनेस से या शॉप से ये दिल्ली में आना जाना करते हैं। तो इन लोग पे कोई कॉन्ट्रैक्ट की हाई रिस्क जोन है वो, तो हमारे यहाँ आते हैं कहीं इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करके ना लेके आ रहे हो, तो इसी को अर्ली हम डिटेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसलिए हमने रात में शाम के टाइम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये शाम का टाइम है, ये उनके लौटने का समय है। दिन में भी हमने दिन में तो हमारी चेकिंग दीपावली के बाद लगातार चल रही है, लेकिन आज से हमने शाम का भी ये रखा है कि शाम को जरूरी है। सर बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दिल्ली से आने वाले के जो आप कर रहे हो, कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा था एंड्रोमीडा ओखला। तो यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है जी? टेस्ट हो गया आपका? हाँ सर टेस्ट। रिपोर्ट बताइए। अभी नहीं बताई, बाकी एड्रेस लिखवा दिया। मास्क को लेकर भी गाजियाबाद में सख्ती बढ़ा दी गई है। इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है और लोग संक्रमण से बेखौफ होकर लापरवाही के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। वायु प्रदूषण फेफड़ों पर असर करता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में कोरोना का हमला घातक हो सकता है। वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता, जानकारों के मुताबिक सर्द मौसम की नमी में वायरस करीब 72 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं और जिस तरह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है उसके साथ साथ कोरोना के और फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। गाजियाबाद से मैं गौर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। बिहार विधानसभा में आज स्पीकर के चुनाव का दिन है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया है। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। आज स्पीकर का चुनाव होना है, बिहार विधानसभा के चुनाव में वही भाग लेंगे। बंद हो जाएगा तो बोलिएगा।
दूसरा जो सदस्य नहीं है वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अच्छा, आप माननीय सदस्य लोग अपने सीट पर जाएं, अपने आसन ग्रहण करें, अपने आसन ग्रहण। वो सदस्य है नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, इस लिहाजा यहाँ पर रह सकते हैं। वो वोट में शामिल नहीं होंगे, वो मतदान में शामिल नहीं होंगे। माननीय सदस्य लोग, आप अपने आसन ग्रहण करें, आसन पर जाएं। माननीय सदस्य आसन पर जाएं। चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो हंगामे की स्थिति वहां दिखाई दे रही है वो आपके सामने। और इस बीच एक ऑडियो बीजेपी की तरफ से रिलीज किया गया जिसमें लालू यादव की आवाज सुनाई दे रही है और वो ललन पासवान से बात कर रहे हैं। हालांकि आज तक इस बात की पुष्टि नहीं करता इस ऑडियो की, लेकिन आरोप बीजेपी की तरफ से है। रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, पहले तो ये बताइए कि जो ये हंगामा इस वक्त विधानसभा में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? रोहित, आप सुन पा रहे हैं? रोहित से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको बिहार विधानसभा की दिखा रहे हैं हम, जहां पर जीतन राम मांझी इस वक्त आग्रह कर रहे हैं कि सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, जो लोग सदन के नहीं हैं वो सदन से बाहर चले जाएं, हंगामा ना बढ़ाएं। ये अपील जीतन राम मांझी की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन सबके विपरीत वहां पर हंगामा बरपा हुआ है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं एक बार फिर से हमारे साथ। रोहित, क्या वजह है कि यह हंगामा हो रहा है? मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य, अपना आसन पर जाएं, अपने आसन पर जाएं। चलिए, रोहित से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, दरअसल बीते कई सालों में ऐसा होता रहा है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, कि ध्वनि मत के जरिए स्पीकर का चयन होता रहा, लेकिन इस बार क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी सीटों के लिहाज से, तो उन महागठबंधन ने एक वॉकओवर नहीं दिया है एनडीए को। अमूमन होता यह है कि जिस दल की, जिस गठबंधन की सरकार है उन्हीं का स्पीकर होता है, लेकिन यहां पर वॉकओवर तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है और इसीलिए वोटिंग के जरिए स्पीकर चुना जाना है। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों ये मामला आपको बिगड़ता हुआ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच मीनाक्षी, वो ऑडियो भी एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं जिसको लेकर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। इस ऑडियो टेप में दरअसल कथित तौर पर, हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, इसमें लालू प्रसाद यादव ललन पासवान से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज के स्पीकर के चुनाव में वो एब्सेंट हो जाएं। पासवान जी, बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए जी। अच्छा नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ
हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ अब बढ़े तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो उसका हम तुमको बनाएंगे मंत्री बनाएंगे कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का ऑब्सेंट हो जा तुम पासवान जी आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक। हाँ पासवान जी बधाई जी प्रणाम चरण स्पर्श आपका ठीक है खुश रहे खुश रहे जी अच्छा लगा ठीक है। अच्छा सुनो हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ अब बने जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहित आवाज मिल रही है? रोहित आपसे मेरा सवाल यही था कि ये जो हंगामा हो रहा है दरअसल ऑडियो टेप की वजह से हो रहा है या कुछ और मामला है? देखिए इसमें बताऊं जो विधानसभा के अंदर हंगामा चल रहा है वो दरअसल वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर इस वक्त चल रहा है क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है और स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि गुप्त मतदान कराया जाना चाहिए। वो लगातार वेल के अंदर आ चुके हैं और लगातार गुप्त मतदान की मांग कर रहे हैं लेकिन जो सरकार है एनडीए है उनके तरफ से ये वो कहा जा रहा है कि गुप्त मतदान की कोई जरूरत नहीं है वॉइस वोट से ही यानी ध्वनि मत से ही जो है इस पर फैसला हो सकता है कि आखिर स्पीकर किसका होगा क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो एनडीए खेमे से स्पीकर के दावेदार हैं वहीं अवध बिहारी चौधरी जो है वो महागठबंधन से उम्मीदवार है इसी को लेकर चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन किस तरीके से मतदान हो इसको लेकर जो है जबरदस्त हंगामा इस वक्त विधानसभा में चल रहा है जहां महागठबंधन गुप्त मतदान की मांग कर रहा है तो वहीं सरकार की तरफ से इस मांग को खारिज करने की बात मांझी क्या बोल रहे हैं सदन में सुन लेते। आवाज आओ तो सुन तो लीजिए सुन लीजिए। हाँ माननीय सदस्यगण यहाँ पर सभी पुराने सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय ये सदन की परंपरा रही है और आए दिन ऐसा होता रहा है। पहले सुन ले तो आप लोग साथ सुन लीजिए संसदीय कार्य मंत्री की बात को नियमन को सुन लीजिए उनका क्या कहना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं उनकी बात उनको सुन लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय यह सदन की परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी सदन में मतदान कार्य होता है जो सदन के भी सदस्य रहते हैं वो रहते हैं सिर्फ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता है ये तो उनको अधिकार है कि सदन में उपस्थित रहेंगे केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे यह तो निरर्थक आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय इसलिए माननीय सदस्यगण से हम अनुरोध करते हैं जो आज की कार्य सूची में निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा होने संसदीय कार्य मंत्री की बात तो आप लोग सुन लीजिए उसके बाद आप लोगों की बात को हम लोग देखेंगे। अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ बतला रहे हैं इस संबंध में नियम प्रक्रिया उनकी बात सुन लीजिएगा वो क्या कहते हैं। ये तो आपका पक्ष हमने सुना सत्ता पक्ष के भी पक्ष की बात हमको सुन लेने दीजिए उसके बाद हम नियमन देंगे। हाँ, 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 हाँ,
सदन नेता हैं, सदन नेता हैं, सदस्य सदस्य नहीं है, वो भाग नहीं लेंगे, वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। उपस्थिति में कोई हम नहीं समझते हैं कि वैधता है। अध्यक्ष महोदय, अरे झंडा थोड़ा खिसका, झंडा थोड़ा खिसका, विधानसभा में देख रहे हैं क्योंकि स्पीकर का चुनाव होना है, दो कैंडिडेट हैं उनमें से ये चयन होना है, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया कैसी हो इस पर भी बवाल है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव का कथित ऑडियो जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से रिलीज किया गया है, जिस विधायक से उनकी बात हुई ललन पासवान, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमको लगा कि सबों ने मनीष चुनाव जीतने पर बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था, हमको लगा कॉल तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया, उनको चरण स्पर्श भी किया, फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते, यही सब उन्होंने कहा, मैं आवाज़ का बहाना करूँ ये करूँ, तो ऑडियो में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था, हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो तो ललन पासवान यहाँ पर ये साफ करते हुए कि किस वक्त पर उनके पास लालू प्रसाद यादव का फोन आया था, उनके पीए ने फोन उठाया तब वो सुशील कुमार मोदी के घर पर मौजूद थे। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल आज स्पीकर का चुनाव होना है बिहार विधानसभा में, सभी नव निर्वाचित विधायक हैं जो वहां पर इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। दरअसल स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ये हंगामा बरपा है और अब आप वॉकआउट देख सकते हैं इन विधायकों का। जीतन राम मांझी हालांकि लगातार ये अपील करते हुए, प्रोटियम स्पीकर हैं जीतन राम मांझी, वो अपील कर रहे हैं कि सब अपनी सीट पर लौट जाएं, बैठ जाएं और शांति से पूरी प्रक्रिया को होने दें। लेकिन इसके ठीक उलट वहां पर इस वक्त भी हंगामे की स्थिति जारी है। एनडीए के पास 125 विधायक हैं जबकि महागठबंधन के पास 110 विधायक। महागठबंधन ने सिवान से आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बताया है, तो वहीं एनडीए खेमे से लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, थोड़े पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने क्या कहा सुनिए। जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उसे क्या आप कह सकते हैं कि के विधायक किसे बता रहे, डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं, ललन पासवान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहे। अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के हैं, गठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन मजबूत है, निश्चित मजबूत होगा। बिहार विधानसभा में आज स्पीकर को समय से इस सदन के सदस्य हैं, वो लोग खुद साक्षी रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़िए, माननीय मंत्रीगण भी जो दूसरे सदन के सदस्य होते हैं, जब कभी ओवैसी की पार्टी ने बिहार में जिस तरह जीत हासिल की, अब बवाल शुरू हो चुका है। ओवैसी के विधायकों ने जब शपथ लेना शुरू किया तो हिंदुस्तान नाम पर आपत्ति जता दी और अब इसी को लेकर जबरदस्त सियासी विवाद है। उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का नाम लिखा गया है संविधान में, भारत का संविधान, इसलिए मैं स्वागत इजाजत हूँ तो मैं भारत के नाम से। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर सीमांचल में
अपना वर्चस्व दिखा दिया। लेकिन जैसे ही विधानसभा में विधायकों के शपथ लेने का टाइम आया तो बवाल मचा दिया। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ में हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अख्तरुल को उर्दू में शपथ लेनी थी और उसमें भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ था और इसी को लेकर अख्तरुल ईमान ने विरोध दर्ज कराया। अख्तरुल ईमान ने प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी से कहा कि वो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं। सभा में आए परंपरा तोड़ने के लिए? परंपरा तोड़ने के लिए नहीं, परंपरा के बारे में आसन से मालूम हासिल करने, जानकारी हासिल करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तर्जुमा करने वालों ने, ट्रांसलेट करने वालों ने उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया, यही तो आसन से पूछना है हमको। अंतिम में ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं, हमको नहीं समझ। अरे आपत्ति नहीं है, मशवरा है। अख्तरुल ईमान के इस अजीबोगरीब मांग के बाद कुछ देर के लिए मांझी भी सख्ती में आ गए। बाद में अख्तरुल ईमान ने भारत शब्द का इस्तेमाल करते हुए शपथ ली। रोहित सिंह, पटना, आज तक। जम्मू कश्मीर में भूमि का मालिकाना हक देने के लिए 2001 में कानून लागू हुआ था, रोशनी एक्ट, और यही एक्ट सरकारी जमीन हड़पने का जरिया बन गया। 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में कौन कौन शामिल है, हमारे पास इस घोटाले में शामिल कई बड़े लोगों के नाम है। ये साल 2001 की बात है जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, तब जम्मू कश्मीर में गरीबों के लाभ की बात करके रोशनी एक्ट पास हुआ था और अब 19 साल बाद पता चला है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही इस रोशनी एक्ट के बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। गरीबों को जमीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशियरी बनते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। रोशनी एक्ट घोटाले के लाभार्थियों की जो लिस्ट कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक कर दी गई है, उसमें 3 बार के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम काले अक्षरों में दर्ज है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जम्मू के सुंजवान में उनका जो निजी घर है वो जंगल की जमीन पर बना है। ये घर कुल 10 कनाल जमीन पर बना है, जिसमें से 7 कनाल सरकारी जमीन है। आरोप ये है कि फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट का गलत फायदा उठाकर 7 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। वन विभाग के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के कथित कब्जे वाली सरकारी जमीन की मौजूदा कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास है। फारूक अब्दुल्ला द्वारा रोशनी एक्ट के दुरुपयोग पर आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विस्तार से प्रकाश डाला है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी कई लैंड ओनर से, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ये प्राइवेट डील थी। प्लॉट नंबर 21 में, खसरा नंबर 21 में, जो सुंजवान गांव है जम्मू में, लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन थी। अपना घर तो छोड़िए जनाब, फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने रोशनी एक्ट की आड़ में अपनी बहन का घर भी बसाया है। इस लंबी सूची में फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया मट्टू का नाम भी शामिल है। उन्होंने भी इस एक्ट के तहत 3 कनाल 12 मरला भूमि अपने नाम की। आरोप है कि भूमि अधिग्रहण करते समय उन्हें राजस्व विभाग को जो 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे ब्याज तक नहीं चुकाए। लगता है कि सुरैया मट्टू ने मुख्यमंत्री की बहन होने का पूरा लाभ उठाया है। आखिरकार ये योजना किसके लिए थी? गरीब की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, रोशनी प्रोजेक्ट लाने के लिए, कि इन भ्रष्ट नेताओं के घर रोशन करने के लिए, और इनको अरबों रुपए की जमीन दिलाने के लिए था? रोशनी एक्ट के जरिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर परिवार को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी तारीफ भी होनी चाहिए क्योंकि घर परिवार के चक्कर में वो अपनी पार्टी को भी नहीं भूले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कार्यालय भी सरकारी भूमि पर बना हुआ है। ये भूमि
तीन कलाल 16 मरले के करीब है। रोशनी एक्ट लागू होने पर पार्टी ने ये भवन अपने नाम पर करवा लिया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर स्थित नवाई सुबह ट्रस्ट का कार्यालय भी सरकारी भूमि पर बना है। ये भूमि भी तीन कलाल 16 मरले के करीब थी, जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का निजी निवास स्थान है यहाँ पर जम्मू में, जो कि सुंजवा बठिंडी इलाके में स्थित है। और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उनके खिलाफ जो आरोप है, उनके खिलाफ आरोप ये है कि उन्होंने यहाँ पर जो है वन भूमि पर अतिक्रमण किया है और उसी भूमि पर उन्होंने ये मकान बनाया है। अगर नाम आया है तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। वो गवर्नमेंट लीज्ड लैंड थी, उसको कन्वर्ट शायद किया है रोशनी के तहत, तो वो देखना पड़ेगा। वो जांच एजेंसी देखे कि क्या वो गैर कानूनी था, क्योंकि एक कानून के तहत वो हुआ है और उसमें कोई कंसेशन भी नहीं ली गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट के जरिए जमीन पर अवैध कब्जे के कारोबार को जब निजी तौर पर बढ़ावा दिया, तो सियासतदानों और अफसरशाही में तो सरकारी जमीनें हथियाने की होड़ ही मच गई। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला की देखा देखी कई अन्य नेताओं, पूर्व मंत्रियों, नौकरशाहों, व्यापारियों और यहां तक कि कुछ न्यायाधीशों तक ने भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करना शुरू कर दिया। रोशनी एक्ट घोटाले के प्रमुख लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आज कानून मंत्री देश के सामने लेकर बैठे थे। तो एनसी के कांग्रेस लीडर एक थे सैयद अली अखून, उन्होंने भी गवर्नमेंट में एक कनाल लैंड पर इंक्रोच किया। एक फॉर्मर जज और उनके बेटे हैं, एक आफ्ताब अहमद मीर हैं, कई लोग का नाम इस तरह से आना शुरू हुआ। लगता है कि जम्मू कश्मीर की जमीन बस इंक्रोचमेंट के लिए ही बनी हुई थी। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने खुद पर लगे सारे आरोपों को खारिज किया है। उन्हें लगता है कि ये उन्हें परेशान करने की साजिश है। उन्होंने आरोपों को नजरअंदाज किया और DDC चुनाव पर फोकस किया है। हम बच्चों, इलेक्शन का ब्यूगल बज गया है। मैं आपसे दरखास्त करने चाहता हूं, आपसे अलायंस कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा। जो दूसरे खड़े हुए हैं और कहते हैं वो अलायंस के हैं, वो अलायंस के नहीं हैं, वो अलायंस के दुश्मन हैं। फारूक अब्दुल्ला भले ही नजरअंदाज करें, लेकिन DDC चुनाव से ठीक पहले रोशनी एक्ट घोटाले का खुलासा उनकी सियासत में फैले अंधेरे को और ज्यादा गहरा कर सकता है। मौजूदा वक्त की राजनीति ने इस जमीन घोटाले में नाम सामने आने के बाद हर किसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के नाम पर रोशनी एक्ट बनाकर रोशनी देने के नाम पर कैसे पैसों की जमकर बंदरबांट हुई और जमीनों की खरीद फरोख्त की गई। माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कई और नामों का अगर खुलासा हो तो हैरान मत होइएगा। चित्रा त्रिपाठी, आज।